गुरुग्राम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहुंचकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। गुरुग्राम के अलीपुर से इस हाईवे की शुरुआत होगी और मुंबई तक यह एक्सप्रेस वे जाएगा, जिसकी लंबाई 1380 किलोमीटर की होगी और इसके निर्माण कार्य में कुल लागत 1,00,000 करोड़ रुपये की आएगी। आपको बता दें कि दिल्ली से मुंबई के बीच 1380 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेस वे पर 350 किलोमीटर तक काम हो चुका है। अभी 8 लेन बनाए जा रहे हैं, इनके अलावा 4 लेन और बनाए जाएंगे। ये चारों लेन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए होंगी। यह देश का पहला एक्सप्रेस वे होगा जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल 4 लेन होगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाने से केवल समय नहीं बचेगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। एक्सप्रेस वे के किनारे नई औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। इसका सर्वे जारी है। पूरे रूट पर 92 स्थानों पर इंटरवल स्पॉट डेवलप किए जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस हाईवे का निरीक्षण किया और काफ़ी देर तक अधिकारियों के साथ संबंधित चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह मेरा सपने का हाईवे है। यही नहीं, इस हाईवे के बनने के बाद दिल्ली में भी 47% प्रदूषण में कमी आएगी। 2023 तक यह हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। 5 राज्यों से होकर यह हाईवे गुजरेगा, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। दिल्ली से मुंबई तक पहुंचने में इस हाईवे से मात्र 12 घंटे लगेंगे। वहीं हरियाणा के हिस्से में अगर बात की जाए तो यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे 160 किलोमीटर तक होगा, जिसकी लागत 10,400 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गुरुग्राम जैसे 2-3 स्मार्ट सिटी तैयार की जाएं, उसमें हरियाणा सरकार को बहुत फ़ायदा होगा। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार रोड बनाती है और पैसा बिल्डर कमाते हैं। वहीं नितिन गडकरी ने नेताओं पर चुटकी लेते हुए भी कहा कि नेता और बिल्डर पहले ही देखते हैं कि कहां से रोड जा रहा है, वहीं ज़मीन खरीद लेते हैं। वहीं स्मार्ट सिटी बनाने से IT इंडस्ट्रीज भी आएगी। देखिए, गुड़गांव और मेवात और कुल मिलाकर के हरियाणा इस प्रदेश के लिए और इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत भारी सौगात है। इतना भारी, इतना लंबा, इतना बढ़िया और इतने खर्च के साथ इस्टेब्लिश किया हुआ देश के अंदर कोई भी एक्सप्रेसवे आज तक नहीं हुआ है। 95,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च होने जा रहे हैं, 22 तक ख़त्म हो जाएगा और हमारा रास्ता बम्बई तक का बहुत घट जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो हमारी रोड्स की समस्याएं हैं, जैम्स लगे होते हैं, वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। जो इसके इर्द गिर्द बसने लग रहे हैं वो समृद्ध हो जाएंगे, रोज़गार मिलेगा, गोडाउन इस्टेब्लिश होंगे, तो बड़ा अच्छा लाभ आर्थिक तौर के ऊपर हरियाणा की जनता को मिलने जा रहा है। तो मैं ये पहले भी कहा है, स्टेज पर भी गडकरी साहब ने भी कहा है कि कोई भी मुल्क अगर समृद्ध होता है और उसकी सड़कें अच्छी होती हैं तो वो इसलिए नहीं अच्छी होती सड़कें क्योंकि वो मुल्क समृद्ध है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति से यही बात पूछी गई तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि अमेरिका समृद्ध इसलिए है क्योंकि उन्होंने रोड्स बनाने के अंदर लागत लगाई, जब भी मतलब आर्थिक सहयोग लोगों का वहाँ पर आने लगा और वहाँ की हालत समृद्ध हो गई। मैं RRTS का जिक्र कर रहा था कि ये जो नेशनल हाईवे ब्राउन फील्ड का है, जो पहले नेशनल हाईवे नंबर 8 बोला जाता था, दिल्ली से जयपुर जाता है, तो ये किसी एक ठेकेदार के माध्यम से उसकी मरम्मत करना, टोल लेना जिम्मे था। पिछली सरकार के दौरान ये किया गया था। उस टाइम के ऊपर तो खैर ज़मीनें अधिग्रहित हुई थी, लेकिन कानून 14 के अंदर पास हुआ कि ज़मीन किसानों की अनुमति बिना अधिग्रहित ना की जाए।
अब ये डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई। जो ये RRTS जिसका मैं जिक्र कर रहा था, रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम रेल का, ये दिल्ली से लेकर के नीम राणा तक जाने लग रहा है। इसके अंदर ज़मीन किसी की अधिग्रहित नहीं करी गई है। नेशनल हाईवेज की बगल के अंदर जो बची हुई ज़मीन होती है उसके ऊपर खंभे खड़े करके इसको ओवरहेड चलाने की योजना बनाई है भारत सरकार ने। तो इससे बहुत लोगों को लाभ मिलेगा, यातायात सड़क के ऊपर ही नहीं रेलगाड़ी से भी जाएगा, कम भीड़ सड़कों के ऊपर होगी। जी हाँ, वो कॉन्ट्रैक्टर जो ये खिड़की दौला से और जयपुर जो टोल ले रहा है खिड़की दौला के अंदर, उसके बारे के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हुई हैं। उसने अपनी तरफ से, मेरा यही मानना है कि ठीक काम नहीं किया। उसको अवार्ड तो मिल गया लेकिन अब वो NCLT में भी चला गया, तो हम उसका कुछ बिगाड़ सक नहीं रहे अभी फ़िलहाल, लेकिन उसकी तरफ से दिक्कतें महसूस ज़रूर हुई हैं। टोल तो हम हटाना चाहते हैं, जो खिड़की दौला वाला टोल है, इनकी सिफारिश मैंने भी करी है, चीफ मिनिस्टर ने भी करी है, चाहते हैं केंद्रीय मंत्री गडकरी जी भी, लेकिन अब क्योंकि वो कोर्ट के अंदर मामला फंसा हुआ है, तो अब यही कह सकता हूँ आज मैं आपको कि जैसे ही ये अपना एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो ये टोल वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक साल और लगेगा। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा ऐसा एहरी एक्सप्रेस हाईवे है और ये हमारे देश के लिए एक अभिमान का विषय है, और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसका काम भी पूरा हुआ है, पूरा हो रहा है। और दिल्ली से मुंबई 12-12.5 घंटे में हम पहुंच सकेंगे और इसमें हरियाणा में करीब 10,400 करोड़ की लागत से 160 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरेगा और उसमें से 130 किलोमीटर का काम अवार्ड हो चुका है। नूह और पलवल को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए कई जगह इंटरचेंज के माध्यम से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरियाणा में 6 स्थानों पर वे साइड एमिनिटी बनाई जाएगी जहां स्थानीय उत्पादन वालों को प्राथमिकता मिलेगी। विशेष रूप से इसमें पेशेंट्स के लिए एक्सीडेंट होने के बाद ये जो हमारी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सर्विस उपलब्ध होगी और इसके साथ साथ जो ड्रोन की अभी सर्विसेज हम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए भी ड्रोन भी हर इसमें हेलीपोर्ट होगा जिसमें ड्रोन भी उतरेंगे और वो भी निश्चित रूप से उद्योग और व्यवसाय के लिए उपयोग होगा। दिल्ली से दौसा तक 214 किलोमीटर का काम मार्च 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जो कनेक्टिविटी है उसमें DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक करीब 5,000 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर के 6 लेन के कमार्ग का निर्माण हो रहा है। यह मार्ग होगा और यह काम 2023 तक पूरा किया जाएगा। ये DND से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 3 पैकेज में हमने काम दिया है। इसमें 60 किलोमीटर की लंबाई है, 5,000 करोड़ की इसकी लागत है, 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। आश्रम, बदरपुर, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में ट्रैफिक जाम की समस्या इससे हल होगी और दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो भी काफ़ी बड़े प्रमाण में कम हो जाएगा। पैकेज 2 जो है वो DND से जयपुर पुश्ता जंक्शन है 9 किलोमीटर का, वो DND से कालिंद कुंज मिठापुर तक 7 किलोमीटर 6 लेन एलिवेटेड मार्ग है और कालिंद कुंज से जयपुर पुश्ता जंक्शन तक 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन का निर्माण किया जा रहा है। पैकेज 2 जो है 25 किलोमीटर का वो 4 लेन सर्विस रोड के साथ 6 लेन सड़क का निर्माण है। ये जयपुर पुश्ता से फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास के पास सेक्टर 62/65 जंक्शन तक है। पैकेज जो तीसरा है वो फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास पर सेक्टर 26 किलोमीटर का है। इसमें फरीदाबाद से बल्लभगढ़ बाईपास से NH-19 तक 6 लेन का निर्माण है और NH-19 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक 6 लेन का निर्माण है। ये 62/65 जंक्शन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तक ये जुड़ा जाएगा। विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा और दिल्ली में DND फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से
करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से 31 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड मार्ग जेवर एयरपोर्ट के लिए हम बना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इसका भी काम शुरू हो जाएगा, लैंड एक्विजिशन हो गया है, जो हरियाणा के लोगों के लिए इस एयरपोर्ट में जाने के लिए बहुत आसान होगा। इसका DPR भी अभी लगभग फाइनल होने की स्थिति में है और इसी साल इस काम की शुरुआत करने की हमारी कोशिश होगी। हमें इससे काफ़ी फायदा होगा, यहाँ पर उद्योग भी लगेंगे जिससे बेरोजगारी खत्म होगी, हमारे युवा बच्चों को रोज़गार मिलेगा, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। और जो हमें जयपुर और मुंबई जाने में ज़्यादा टाइम लगता था उस एक्सप्रेसवे पे, इससे कम टाइम लगेगा, तो इससे काफ़ी कम समय लगेगा, तो फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है हमें। पहले तो ऐसा था, जैसे हम मुंबई जाते तो हमारे 28 से 30 घंटे लगते थे, अगर हमारे ये सुपरहाईवे बॉम्बे वाले बन गया तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 घंटे लगेंगे, तो इससे बहुत पेनिफिट, तेल की बचत भी होगी, वैसे भी जाने में सुविधा भी होगी। भाई अगर वैसे मैन हाई से जाते तो हमें दिक्कत, ब्रेकर भी है वैसे भी, इसमें कोई ब्रेकर वगैरह भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, और इससे हमारी सिटी में जैसे उद्योग भी लगेंगे नए और फैक्ट्री वगैरह भी आएगी, तो इससे काफ़ी उन्नति हमारे देश को भी, पूरे इंडिया को उन्नति होगी। जो हमारे ये जो हाईवे बनाया जा रहा है, इससे हमारे प्रदेश की और देश की दोनों ही जीवन रेखा बदल जाएगी और रोज़गार भी बहुत सृजन होंगे, और हमारे प्रदेश के लिए युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा और अपने जो भी ट्रैफिक वाले हैं उनको भी राहत मिलेगी। सबसे पहले हमारा जो मेवात का जो पिछड़ापन है वो इस रोड बनने से दूर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मेवात में कोई उद्योग नहीं है, कोई वो नहीं है, जिससे बेरोजगार होकर जनता दूसरे धंधे में फंस जाती है, तो ये रोड बनने से इंडस्ट्री एरिया आएगा तो उससे हमको रोज़गार मिलेगा। मैं नितिन गडकरी साहब से कहता हूँ जल्दी से जल्दी हो इस रोड को तैयार किया जाए। हमारा मेवात बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है नूह का, तो इससे जैसे कि मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे हमें दोनों तरफ इंडस्ट्री लगाने में बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो हम तो उसी के लिए बहुत बहुत आभारी हैं मुख्यमंत्री जी का भी कि हमारा मेवात खुशहाल बने और अच्छा जीवन जी पाए।